उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचकर महान क्रांतिकारी बाबू सिंह के नाम से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बाबू बंधु के नाम से स्टेडियम का नामकरण किया और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपयों की सीएम ने सौगात दी, जिसमें पुस्तकालय भवन, छात्रावास का विस्तार कार्य, वहाँ विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान क्रांतिकारी बाबू सिंह के नाम से स्टेडियम का नाम कलर हुआ है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि विश्वविद्यालय उन्हीं की विरासत है। गोरखपुर से सैयद अली के साथ में कैमरामैन नवाजिस हुसैन की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय के नए स्टेडियम का नाम और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अनेक अन्य संस्थानों का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक देश और दुनिया में बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट दिए हैं। स्वाभाविक रूप से जब विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, कभी यह क्षेत्र शहीद बंधु सिंह की रियासत का पार्ट रहा होगा, आज उनके नाम पर स्टेडियम का नामकरण हुआ है, बहुत प्रसन्नता है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय तकनीकी क्षेत्र में देश के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से देश की युवा ऊर्जा को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में जो प्रयास कर रहा है, इसको और आगे बढ़ाने में सफल होगा। महाराज जी, बस्ती में कुपोषण से 3 लोगों की मौत हुई